सोलन शहर में अब नगर निगम सोलन 1 फरवरी से सूखे व गीले कूड़े को लेकर सख्ती करने जा रहा है। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग न देने वालों से 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसको लेकर नगर निगम ने विभिन्न माध्यमों से सोलन के लोगों को जानकारी देना भी शुरू कर दिया है। इस बार नगर निगम सोलन स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार कुछ पिछड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण लेगेसी वेस्ट भी रहा है। ऐसे में नगर निगम अब अगली बार सर्वे में अव्वल नंबर लाने के लिए अभी से तैयार हो रही है। अपने घरों से निकाल के कभी नालों में फेंक रहे हैं, कभी खाली जो प्लॉट पड़े हुए हैं वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। इसके ऊपर भी नगर निगम सख्त एक्शन लेने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो इसलिए लोगों से अपील है कि आप कूड़ा जो हमारे डोर टू डोर वाले सुबह सर्दियों में 6 बजे उठ के आपके द्वार पे आ जाते हैं, आप उनको ही कूड़ा दें। और अगर आप नहीं मतलब घर पे नहीं हैं तो आप एक जगह बना लें जहाँ से वो उठा के कूड़ा अपने जो हमारे पॉइंट्स बने हैं वहाँ तक ले जा सके। अपने घरों से निकाल के कभी नालों में फेंक रहे हैं, कभी खाली जो प्लॉट पड़े हुए हैं वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। इसके ऊपर भी नगर निगम सख्त एक्शन लेने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो इसलिए लोगों से अपील है कि आप कूड़ा जो हमारे डोर टू डोर वाले सुबह सर्दियों में 6 बजे उठ के आपके द्वार पे आ जाते हैं, आप उनको ही कूड़ा दें। और अगर आप नहीं मतलब घर पे नहीं हैं तो आप एक जगह बना लें जहाँ से वो उठा के कूड़ा अपने जो हमारे पॉइंट्स बने हैं वहाँ तक ले जा सके।